इसमें नेट स्टेट कमांड हम लोग देखते हैं। इसमें जैसे हमने कहा था, अगर हम मोर का यूज नहीं करेंगे तो आप इसमें स्क्रीन को देखोगे तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू आपका, देखिए ये देखिए आपका डिस्प्ले हुआ, आपकी स्क्रीन ऊपर वाली शो नहीं हो रही है, देखिए लास्ट में आकर के स्टेबल हुआ। देखिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जबकि हमारी एक स्क्रीन पे नहीं दिख सकती है एक बार में। अब इसी चीज को अगर हमें चाहते हैं कि हमारा बारी बारी से दिखे, एक एक स्क्रीन पे रुक रुक करके दिखे, तो उसके लिए हम पाइप सिंबल के साथ मोर का इस्तेमाल करेंगे, तब जा करके ऐसा होगा। अदरवाइज ये एक बारी में पूरा स्क्रॉल हो जाएगा और उसमें आपका लास्ट वाली स्क्रीन केवल दिखेगी बस। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि वो बारी बारी से एक एक स्क्रीन में दिखे, तो हम पाइप सिंबल के साथ यहाँ पे मोर करेंगे। देखिए एक स्क्रीन का दिख रहा है, अभी यहाँ पे मोर लिख के आ रहा है कंटिन्यू करने के लिए, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो दूसरी स्क्रीन आ जाएगी, फिर तीसरी स्क्रीन आ जाएगी। ऐसे ये हम मोर करके यहाँ पे एक एक स्क्रीन पे हम देख सकते हैं बारी बारी से। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो एक ही बार में पूरा दिख जाएगा। नेट स्टेट का मेन वर्क आपका है कि आपके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना। अब नेटवर्क की इंफॉर्मेशन में क्या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा, वो ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा कि हमारे पास जो टीसीपी प्रोटोकॉल है, यूडीपी प्रोटोकॉल है, या फिर हमारे पास जो यूनिक्स की प्रोसेसेस हैं, वो कौन सी पोर्ट को यूटिलाइज कर रही हैं, कौन से पोर्ट को लिसन कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाएगा। अगर हम एक बार एंटर करते हैं तो लास्ट वाला केवल स्क्रीन दिख रहा है, ऊपर वाली स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो अगर हमें ऊपर वाली स्क्रीन देखनी है तो या तो हम इसको स्क्रॉल करेंगे। तो ये सारी यूनिक्स के प्रोसेसेस हैं जो पर्टिकुलर पोर्ट पे रन कर रही हैं। यहाँ पे ये पोर्ट नंबर दिखा रहा है और ये कनेक्टेड का मतलब ये स्टेटस दिखा रहा है, और ये कौन सी रन हो रही है ये उसका पाथ दिखा रहा है। और ये यूनिक्स की है प्रोसेस, या फिर आपका यूडीपी प्रोटोकॉल है, या फिर टीसीपी प्रोटोकॉल है, ये आपको इधर शो करेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका कनेक्टेड कनेक्टेड कनेक्टेड, ये क्या स्टेटस है वो आपको स्टेटस दिखा रहा है, और ये आपके पोर्ट दिखा रहा है कौन से पोर्ट को ये यूज कर रहा है। अब यहाँ पे ये तो हमारा यूनिक्स के, यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ लिखा गया है एक्टिव यूनिक्स डोमेन सॉकेट। दैट मीन्स ये हमारे क्या है, यूनिक्स के सॉकेट्स हमारे एक्टिव हैं। ये हमारे सॉकेट्स का मतलब यहाँ पे नोड दिया गया, नोड का मतलब वो हमारा जो पोर्ट होता है उसका यहाँ पे ने नंबर दिया, पोर्ट नंबर दिया गया है, और उसका क्या स्टेटस है ये स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है, और ये किस टाइप का है ये इसका टाइप दिखा रहा है। फ्लैग होता है ये फ्लैग का दिखा रहा है, और ये आपका रेफरेंस कंटेंट दिखा रहा है, और ये प्रोटोकॉल दिखा रहा है कौन सा प्रोटोकॉल है, यूनिक्स प्रोटोकॉल है, टीसीपी प्रोटोकॉल है, यूडीपी प्रोटोकॉल है, और ये किस पाथ पे चल रहा है, किस प्रोटोकॉल पे चल रहा है, किस पोर्ट पे चल रहा है, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं। बाकी यूडीपी का देखेंगे तो यूडीपी का भी यहाँ पे दिखाएगा वही सेम चीजें, टीसीपी का देखेंगे तो टीसीपी का दिखाएगा, इसका स्टेटस क्या है स्टेटस दिखाएगा, इसका एड्रेस क्या है एड्रेस दिखाएगा। ये आपका टीसीपी यूडीपी और यूनिक्स तीनों का दिखा। इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या देख रहा है, एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन सर्वर एंड Established। That means यहाँ पे वो बता रहा है कि हमारा एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन कौन कौन से पोर्ट पे है और कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, ये प्रोटोकॉल्स की यहाँ पे लिस्टिंग दिखा रहा है। अब वो टीसीपी प्रोटोकॉल भी हो सकता है, यूडीपी प्रोटोकॉल भी हो सकता है, और यूनिक्स के भी कुछ प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो यूनिक्स का इधर दिखा रहा है, टीसीपी का यहाँ पे दिखा रहा है, यूडीपी का इधर। तो ये आपका बता रहा है कि एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन सर्वर एंड एस्टेब्लिश्ड, ये आपका हाइफन ए के साथ सारा का सारा दिखाएगा। जो एक्टिव होगा वो भी दिखाएगा, जो लिसन पोर्ट होगा वो भी दिखाएगा, नॉन लिसन पोर्ट होगा वो भी दिखाएगा।
तो ये हमारा हाइफन ए के साथ होता है। अगर हम हाइफन ए का यूज नहीं करेंगे, अब यहाँ पे अगर हमारे पास तीनों का दिखा रहा है, टीसीपी यूडीपी यूनिक्स तीनों का दिखा रहा है, अब हमें केवल टीसीपी का देखना है, तो नेट स्टेट हाइफन ए के साथ टी करेंगे तो ये केवल टीसीपी टीसीपी का दिखाएगा। अगर हमें टीसीपी के अलावा अगर हमें यूडीपी का देखना है तो ए के साथ यू लगा देंगे तो यूडीपी का दिखाने लगेगा। अगर हमें यूडीपी का यहाँ पे देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टीसीपी यहाँ पे यूडीपी का कर दिया, यू लगा दिया, यूडीपी का हो गया। यूनिक्स का करना है तो यूनिक्स के लिए यहाँ पे हम एक्स इस्तेमाल कर लेंगे तो ये हमारा यूनिक्स का दिखाने लगेगा। अगर हमें ये यूनिक्स का है, अगर हमें केवल लिसनिंग पोर्ट देखना है तो हाइफन एल का इस्तेमाल कर देंगे तो नॉन लिसनिंग पोर्ट हमारा नहीं दिखाएगा, केवल लिसनिंग वाला दिखाएगा। अब ये सारे के सारे दिखा रहा है, अब हमें लिसनिंग वाले केवल लिसनिंग के साथ अगर हमने टी कर दिया तो केवल टीसीपी वाला लिसनिंग दिखाएगा, नॉन लिसनिंग वाला नहीं दिखाएगा। अगर हमें टीसीपी के साथ यूडीपी का लिसनिंग पोर्ट देखना है तो यू लगा देंगे तो ये हमारा केवल लिसनिंग वाला दिखाएगा। तो वहां पे ए के साथ करते हैं तो ए के साथ हमारा क्या हो रहा है कि सारे दिखाता है। ए का मतलब है ऑल, ऑल का मतलब है लिसनिंग नॉन लिसनिंग दोनों। अगर हम हाइफन एल के साथ पास करेंगे तो वो केवल लिसनिंग वाला दिखाएगा। जैसे अभी अभी हमें लिसनिंग का यूनिक्स प्रोटोकॉल सारे देखने हैं तो हम यहाँ पे एक्स का इस्तेमाल करेंगे तो लिसनिंग केवल यूनिक्स वाले प्रोटोकॉल का दिखाएगा। तो ये हमारे यूनिक्स का देखना है प्रोटोकॉल का, टीसीपी का देखना है, यूडीपी का देखना है, सारे देखने हैं, केवल लिसनिंग का देखना है, कॉन्टिन्यू अगर हमें उसका देखना है। नेट स्टेट के साथ अगर हाइफन आर का हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा नेट स्टेट हाइफन आर क्या करेगा, टू गेट द कर्नल राउटिंग इन्फॉर्मेशन। ये हमारे कर्नल के राउटिंग के इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा अगर हमने नेट स्टेट हाइफन आर का यूज किया है। तो यहाँ पे देखिए गेटवे दिखाएगा, जेन मास्क का फ्लैग, मास्क विंडो, एटीआर इंटरफेस, डेस्टिनेशन, ये आपका क्या दिखा रहा है, कर्नल आईपी राउटिंग टेबल। ये आपका क्या है, कर्नल आईपी राउटिंग टेबल। ये आपका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है किसके बारे में, राउटिंग इंफॉर्मेशन। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन के लिए हमें नेट स्टेट हाइफन आर का यूज करते हैं। नेट स्टेट के साथ अगर हम हाइफन सी का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा, नेट स्टेट विल प्रिंट द इंफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूसली एवरी फ्यू सेकेंड्स। मतलब हर सेकंड आपका ये पूरे के पूरे आपके टीसीपी पोर्ट के स्टेटस को दिखाएगा, यूडीपी पोर्ट के स्टेटस को दिखाएगा। अभी हम नॉर्मल नेट स्टेट अगर हाइफन ए यूज करते हैं तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में क्या स्टेटस है केवल वही शो करता है, लेकिन अगर हमने हाइफन सी कर दिया तो ये कॉन्टिन्यूसली आपका क्या करेगा, इंफॉर्मेशन दिखाता रहेगा पर्टिकुलर टीसीपी और यूडीपी एंड यूनिक्स के जितने भी पोर्ट्स हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको स्टेटस दिखाता रहेगा। हर एक सेकंड पे क्या स्टेटस है कंटिन्यूअसली देखना है आपके हर पोर्ट की स्टेटस के बारे में। तो आपको हाइफन सी करेंगे टू प्रिंट द नेट स्टेट इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली। तो ये आपका कंटिन्यूअसली के लिए आपका